बच्चों आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है देखो, यू नो द ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बच्चों हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में पता है, लेकिन इधर है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है देखो, यू नो द ऑपरेशन कॉल्ड अप। बच्चों ऑपरेशन को अप भी कहते हैं, ओ एप भी कहते हैं, ऑपरेशन को अप लिखते हैं। ओके, ऑपरेशन को अप भी कहते हैं, ओ एप अप। ओके, 12 of 1257, इसका मतलब क्या है कि 12 times of 1257, 12 of 1257, इसका मतलब है 12 times 1257 12 times। ओके, जैसे कि 12 into 1257। ओके, तो 12 of 1257 इसका मतलब क्या है कि 12 times 1257 जो है वो 12 times। ओके, तो कैसे लिखेंगे 12 into 1257। ओके, तो देखो एक मैं इसका एक एग्जांपल करते हैं। देखो जैसे कि ये देखो 9 of 210, इसका मतलब क्या है 9 times 210 जो है वो 9 times एडिशन होगा, या 9 into 210 करेंगे। ओके, 9 of 210 मीन्स 9 times 210s। ओके, तो इसको ऑप के जगह में मल्टीप्लाई होगा, तो 9 into 210 लिखेंगे। ओके, ऑप का मतलब है मल्टीप्लाई, 9 into 210 लिखेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 210 into 9, 9 0 0 9 1 0 9 9 2 0 18 1890। ओके, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, ए सिंप्लीफिकेशन सम द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन आर टू बी डन इच गिवेन ओड मास। बच्चों जो ये सिंप्लीफिकेशन है, ये कुछ ऑर्डर में सॉल्व किया जाता है, जैसे ओड मास, ODMAS। ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन एंड एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनो, जो ODMAS है, ओडमास को ओडमास भी कह सकते हैं। इसका फर्स्ट है ओ है, ओ का मतलब ऑफ, सेकेंड है डी, डी का मतलब है डिवीजन, थर्ड है एम, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ नंबर पर है ए का मतलब है एडिशन, और पांच नंबर में है एस, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। जो सिंप्लीफिकेशन है उसको ऑर्डर में सॉल्व करना है, तो कैसे करना है कि फर्स्ट ऑफ का करेंगे, ऑफ करने के बाद डी का करेंगे, डी के करने के बाद एम का करेंगे, एम करने के बाद ए का सॉल्व करेंगे, ए करने के बाद एस का करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ओ का करेंगे, ओ नहीं होगा तो डी का करेंगे, डी के बाद एम का करेंगे, एम के बाद ए का, ए के बाद एस का, ऐसे सीरियल करेंगे। ओके, ऑर्डर में करेंगे, तो ODMAS फॉर्म में हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, कैसे करेंगे देखो, देखो बच्चों ये एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करना है। 49 divided 7 plus 3 of 9 minus 2, इसको ODMAS फॉर्म में करना है। पहले ओ है, ऑफ का करेंगे, ऑफ कहाँ पर है, ये देखो ऑफ है, तो पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे। ओके, देखो इधर ऑफ है, इसके दोनों के बीच में ऑफ है, तो पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है 3 into 9। ओके, तो 49 बाकी सब जैसा ऐसा लिखेंगे, 3 of 9 कितना होगा 3 into 9 27 minus 2। ओके, पहले हम क्या करेंगे, ऑफ का करेंगे, क्योंकि ओ पहले है तो ऑफ का पहले करेंगे, तो आप ये दोनों के बीच में है तो ये दोनों को पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ओके, तो 3 into 9 हो गया 27, बाकी सब जैसा है ऐसा लिखेंगे, ये दोनों के जगह पर लिखेंगे 27। अभी और आप नहीं है, ओ के बाद है डी, डी है डिवीजन, डिवीजन है, ये देखो ये डिवीजन है, तो इसको हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब जैसा ऐसा लिखेंगे, तो 49 divided 7 कितना होगा 7 होगा, 49 को 7 के साथ डिवाइड करने से होगा 7, बाकी सब जैसा है वैसा लिखेंगे। ओके, तो
अभी सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, डी है डिवीजन को सॉल्व करेंगे, और डिवीजन नहीं है तो सिर्फ ये है डिवीजन, तो 49 डिवाइड 7 होगा 7। ओके नेक्स्ट क्या करेंगे, डी के बाद है एम, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद है एडिशन, ए का मतलब एडिशन, एडिशन करेंगे तो एडिशन ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 7 प्लस 27 कितना होता है 34, बाकी ये माइनस 2 को जैसा ऐसा लिखेंगे। ओके तो 7 और प्लस 27 की जगह में लिखेंगे 34, क्यों, क्योंकि 7 प्लस 27 का आंसर होता है 34। ओके तो लास्ट है 34 माइनस 2, तो इसको सॉल्व करने से होगा 32। तो बच्चों ये है आंसर, इनको सिंप्लीफाई करने से आंसर आया है इतना। ओके तो हम पहले ओ का करेंगे, इसको सॉल्व करने से हो गया 27। उसके बाद डी का करेंगे, डी को ये डिवीजन को सिंप्लीफाई करने से हो गया 7। उसके बाद एडिशन करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो एडिशन करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके तो फास्ट करना है ऑफ, फास्ट ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, तो ये सीरियल में हमको सॉल्व करना है। तो याद रखना पहले ऑफ करेंगे, ऑफ मीन्स ऑफ करेंगे, ऑफ नहीं होगा तो डी करेंगे डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। ओके ये सीरियल में हमको करना है, पहले ओ, उसके बाद डी, उसके बाद एम, उसके बाद ए, उसके बाद एस। ओके लास्ट में होगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन लास्ट में होता है याद रखना। तो ये हम फॉर्म में हमको सॉल्व करना है, याद रखना ओ डी एम ए एस। ओके